मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 7 का जो चैप्टर 9 कविता है, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़े थे जागो हे जागो, जो राजेंद्र रघुवंशी द्वारा रचित कविता है। इस कविता में प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके थे, शेष अब हम पढ़ेंगे। सामने किताब कॉपी निकाल ले प्यारे बच्चों। लहरें लहरें सागर के अंचल से अंगराई ले उठती है, यानी लहरें जो है सागर के क्षेत्र से अपनी अंगराई उमड़ती, यानी अंगराई लेती हुई उमड़ती हुई उठती है। आज गगन के छोर छू रही मन में आस उमकती है, आज गगन मीन्स नव गगन व्योम आसमान, आज आसमान के छोर से जो छू रही है मन की आशाएं उमकती उमकती है, यानी उमड़ती है। प्रीति भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब दबती है, यानी प्रेम भरे जीवन में जो नफरत की ज्वाला जगती है उसके लिए अब दबती है। धरती करवट लेती बरसे मंगल वरदान, धरती भी अब करवटें बदल रही हैं, ले रही हैं कि हमारे मंगल वरदान होती हो। जागो सोए अभिमान जागो, अब जागो जागो हे सोए हुए अभिमान अब जागो। युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी, यानी जो लड़ाई हेतु क्रोधित होकर, युद्ध क्रुद्ध शब्द का अर्थ होता है जो लड़ाई हेतु क्रोधित हो वैसी व्यक्तियों को देखे तो उसकी नजर झुक जाएंगी, उनकी नजरें झुकेंगी। उथल पुथल दानवता की मानवता सह न सकेगी, जो उथल पुथल मान दानवता की जो ज्वालाएं दहकेगी वह मानवता अब उसकी सह नहीं सकेगी। बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी, विवेकशील व्यक्ति, यानी बुद्ध प्रबुद्ध शब्द का अर्थ होता है विवेकशील व्यक्ति, अब जागृत हो चुके हैं, अब ऐसे व्यक्तियों से वे नष्ट करने को उत्सुक नहीं होंगे और उनको नष्ट करेगी। वे स्वयं विवेकशील बन करके जगत में संसार में जो भी आ पाएंगे उनका नष्ट कर देंगे। हर शोषण से मुक्त धरा पर होगा नव निर्माण, हर प्रकार के शोषण से मुक्ति पा करके और इस धरती पर नव निर्माण होगा। जागो नई मधुर मुस्कान जागो, जागो नई मधुर मुस्कान, राजेंद्र रघुवंशी जी का कथन है कि हर शोषण से मुक्ति पर मुक्त होकर के इस पृथ्वी पर इस धरती पर नव निर्माण होगा और हर व्यक्ति हर वर्ग के लोग जागृत होकर नए मुस्कान भरे जीने की कामना करेंगे। नई मधुर मुस्कान जागो जागो हे जागो जागो। प्यारे बच्चों, इसका शब्दार्थ लिखेंगे आप लोग। शब्दार्थ अंचल शब्द कहे हैं कि अंचल शब्दार्थ, अंचल शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र, अंचल शब्द का क्या अर्थ होता है क्षेत्र। उमगती, उमगती शब्द का अर्थ होता है उमड़ती। युद्ध, युद्ध क्रुद्ध, युद्ध क्रुद्ध शब्द का अर्थ होता है लड़ाई हेतु क्रोधित, लड़ाई हेतु क्रोधित। बुद्ध प्रबुद्ध, बुद्ध प्रबुद्ध, बुद्ध प्रबुद्ध शब्द का अर्थ होता है विवेकशील, विवेकशील। जगती, जगती शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी या संसार, और कलुषित, कलुषित शब्द का अर्थ होता है अपवित्रता, और पवित्रता। एच डब्ल्यू में प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिख लेंगे आप लोग, जिसे घर से लिख कर खिलाएंगे। प्रश्न एक है, आज संसार किसे ताक रहा है, संसार किसे ताक रहा है,
प्रश्न दो दे देंगे, नफरत नफरत की ज्वाला, नफरत की ज्वाला क्यों दबने लगी है। क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे, कवि ने किसकी नजर, कवि ने किसकी नजर झुकने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, कवि के अनुसार धरती पर किस प्रकार नव निर्माण होगा। प्यारे बच्चे 5 क्वेश्चन है, आप इसे फिर की कॉपी में लिख लेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले एपिसोड में।